पंजाब से एक बार फिर से यात्रा निकल चुकी है। फिलहाल हम ट्रैक्टर पे हैं, पीछे राहुल गांधी चल रहे हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में जो भीड़ है, जो जत्था है, वो लगातार चल रहा है। तो अब चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने सोचा कि ट्रैक्टर बैठे, थोड़ी सी ट्रैक्टर की सवारी की जाए कि जो कि पंजाब की शान है। पूरे देश और प्रदेश को राहुल गांधी जी ने जोड़ने का काम किया है। लोग तो तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो है जोड़ने का काम किया है पूरे प्रदेश और देश को। वाले कह रहे हैं फायदा क्या होगा, फायदा तो देख लेना आप, 2024 का जो लाल किला है ना मोदी जी का, उसे ढाने का काम करेगी जी। लाल किला पे कब्जा होगा, कब्जा हो जाएगा जी। राहुल गांधी जो तपस्या कर रहे हैं ना, कड़ी ठंड में सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, तो कोई भी एक आदमी बीजेपी का निकल के देखे, तपस्या करके देखे, उन्हें पता लग जाएगा क्या होता है। बीजेपी ने झूठ बोल करके यहाँ पर जो उन्होंने छल कपट किया जनता के साथ, कैसे किया देखो, गंगा कहता हमें गंगा ने बुलाया है, ये जो उन्होंने करना है कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, उसी गंगा मैया के अंदर सैकड़ों लाशें से उन्होंने डाल रखी है। कोरोना काल में लाशों सैकड़ों गंगा के बीच में, बताइए गंगा मैया को इन्होंने स्वच्छ नहीं रखा है, सफाई उसका ध्यान देना चाहिए था, बल्कि संस्कार कोरोना में जो हुआ था लोगों का संस्कार होना चाहिए था, उसमें लाशें इतनी जल गए। उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं बहुत ऊपर ले गए हैं देश को, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। आपने, आपका भी घर पे चूल्हा जल रहा है, आपके घर भी सिलेंडर है, आप भी तेल खाते हो, आप भी डाल्टा घी खाते हो, तो आप बताइए कि 70 साल पहले तेल का क्या रेट था और आज इस टाइम तेल का क्या रेट है, जो सरसों का तेल खाते है उसका क्या रेट आप बताइए। कमाई भी तो बड़ी होगी, कमाई क्या बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है, कमाई क्या, जो पहले किसान और मजदूर बिल्डिंगों में और फैक्ट्रियों में काम करते थे, इन्होंने फैक्ट्री बंद करा दी, इन्होंने क्या कहा, बेरोजगारी बढ़ी है। अगर पहले धान मिल, सूत मिल, धागा मिल में हजारों आदमी काम करते थे, वो सब बंद कर दिए। यही से हाँ, बिल्कुल पंजाब से हूँ। लोग सड़कों पे कब आते हैं, हाँ। आप ही बता दो, तब आते हैं ना जब हाँ। काम नहीं होता है, हाँ। सिस्टम ठीक ना हो, हाँ। क्योंकि आदमी तब सड़कों पे आता है जब सिस्टम अच्छा ना हो, हाँ। तो सिस्टम ठीक नहीं है हमारे देश का, हाँ। तो इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। वाले कह रहे हैं 2024 के लिए आ रहे हैं, देखो जो 24 में आ रहे हैं और जीतने के लिए आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूं, मुझे पता है कैसे जीतना है। अगर जीतोगे ताकत आएगी तभी आप चेंज कर पाओगे। पहले कुछ चेंज हुआ, पहले ये बता दो आप क्या चेंज हुआ। अच्छा, इतनी दूर चले हैं, लगभग 3200-3300 किलोमीटर चल चुकी है यात्रा, क्या कुछ दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई कितना भी यात्रा निकालें कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो लोग अपने आप आ रहे हैं, आज तो बच्चे ऐसे करना, आप किसी गाँव में जाना, बच्चे को पूछना, बच्चे को पता है राहुल कौन है। और एक बुजुर्ग को मैंने 3 दिन पहले एक बुजुर्ग मिला था, बोल रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरी आत्मा साथ चल रही है। अच्छा। जब ऐसा हो जाए तो आप जानते नहीं हो कि ऐसा चेंज, अभी परिवर्तन होने के जो संकेत हैं हिंदुस्तान में, भारत देश में 2024 में राहुल एक अच्छी सरकार लेके आ रहे हैं, और ऐसी सरकार होगी जो सभी की एक, हर धर्म के साथ तो लोगों के, अकेले तो हो नहीं पाएगा संभव, ये तो तमाम दल को लेकर आना पड़ेगा साथ में, तो क्या तमाम दल राहुल गांधी के नेतृत्व में पीछे पीछे आएंगे। आपको कौन कह रहा है कि राहुल आज अकेला है, हाँ। हर वो आदमी, हाँ। जो चाहता है कि बदलाव हो, हाँ। अच्छा हो, नहीं तमाम दल को साथ ले, जो क्षेत्रीय दल है या फिर राज्य लेवल आ रहे हैं, उनसे बातचीत होती रहती है उनकी। मैंने लोगों के व्यू लिए हैं, जब मैं हिमाचल में गया इलेक्शन से पहले, तो हिमाचल के लोग बोल रहे हैं कि हमने देख लिया सब कुछ, अच्छा। पंजाब को भी देख लिया कैसा, हाँ, हो रहा है, हाँ, पूरे भारत को भी देख लिया, अच्छा। तो राहुल जी ही हमारे वुड बी प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, हम ऐसा मानते हैं, हाँ, मोदी जी अच्छे नहीं लगे, नहीं मोदी जी हमें तो कभी भी अच्छे नहीं लगे, क्यों? उन्होंने कुछ नहीं किया यूथ के लिए, कुछ नहीं किया, नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे खुद के बच्चे बेकार हैं, बेले हैं, ठीक है ना, इसलिए यूथ सारा बाहर। राहुल गांधी पैदल चले, आप स्कूटी पे क्यों चल रही हैं? नहीं हम पैदल चले हैं, राहुल जी के साथ मिलने के लिए आगे चल रहे हैं, अच्छा। हम पैदल ही ओवरटेक करेंगे, नहीं ओवरटेक करेंगे, आगे से मिलेंगे जाकर ना, लाइव होंगे, लाइव होकर आए हैं हम पहले भी, अच्छा। क्या कहेंगे यात्रा को देखते हुए? राहुल जी की यात्रा सबसे अच्छी यात्रा है, एक जोड़ने की यात्रा है, एक तोड़ने की यात्रा नहीं है, सभी लोगों को एकजुट करते हैं, जो गरीब जनता थी जिसका टूटा उसने नाली पे रखा हुआ था उसको भी उसने मिला दिया, जो जात पात का भेदभाव रखते है ना बीजेपी वाले, उसका कोई काम नहीं चलेगा, तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं आपके, विकास कहाँ से, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, सब कुछ बेच बाच के खा लिया, ठीक है, स्कूल बेच दिए, कॉलेज बेच
दिया, यूनिवर्सिटी बेच दी उसने। क्या रखा है पंजाब के लिए? सिर्फ एक गरीबी और भूख की हड़ताल और एक दूसरे की जात पात के लिए उसको तोड़ने की साजिश लगी हुई है। इतना गुस्सा क्यों है मोदी से? प्रधानमंत्री है। मेरे को बोले भैया, हम तो शुरू से बोल रहे हैं हमारी जो रूह है ना वो कांग्रेस के लिए है और रहेगी और आगे भी चलेगी। ठीक है, हमारे ब्लड में कांग्रेस है, ब्लड में है, वी आर द फ्रीडम फाइटर। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, बहुत वो तो उनको बाद में पता चलेगा। कब पता लगेगा? इलेक्शन में, दो आने वाली है इलेक्शन 2027 में पता चल जाएगा, 24 में पता चल जाएगा। ये काम मिलेगा और आने वाले समय में राहुल भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे आने वाले समय में, कांग्रेस जिंदाबाद। रिस्पॉन्स कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे से दोबारा से कांग्रेस आ चुकी है। अच्छा, दोबारा से? दोबारा से कांग्रेस आ गई है। बीजेपी ने तो बस देश का वो सत्यानाश किया है, हम बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हर जगह महंगाई, हर जगह लूटपाट, बस जो कहते हैं, जो कहा कि 15-15 लाख आएंगे, लोगों की बस जमीनें तक सब कुछ बिक चुकी है, कुछ भी नहीं रहा आज के समय में। चलिए, और भी लोग हैं, तमाम लोग, आप भी यहीं से हैं? अच्छा, बातचीत करेंगे। हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे यात्रा को देखते हुए? पहले तो मैं दो नारे लगाना चाहूंगा। हाँ बताइए। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बताइए, बताइए, यात्रा को देख रहे हैं और पहले से भी देखते आ रहे होंगे, कैसा दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स? ये यात्रा तो पहले भी जो निकलती थी कांग्रेस की अच्छी निकलती थी। ये एक विशाल हृदय है पंजाबियों का। अच्छा, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि राहुल जी हमारे साथ आएं और हम उनके साथ चलें। इतना ही आप देख लीजिए, सभी के सभी हजारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं और इतना उनको जोश है उनमें कि वो कहते हैं राहुल गांधी चाहे कश्मीर से भी आगे जाएं हम तब भी हम तैयार हैं। अच्छा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और भारत को, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत को बचाने का एक ही तरीका है और भारत को एक ही पार्टी बचा सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके नेता खड़गे जी, जिनके नेता राहुल जी, जिनके नेता हमारे पंजाब के राजा वीरेंद्र। बचाने का सवाल कहाँ है, क्या दिक्कत है अभी भारत को? भारत को पूरी दिक्कत है। आप महंगाई देखो कहाँ है, रोजगारी देखो कहाँ है, और पंजाब में तो ऐसे ही नहीं पता चलता कि अब हम जिंदा हैं, आधे घंटे में हमें जो पुलिस को ही उठा के ले जाते हैं वो क्या है? पंजाब में कुछ भी नहीं है और जो कुछ है वो कांग्रेस ने, आज भी कांग्रेस जीती है। वो दूसरे मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास एक सीट है, हमारे पास 19 सीटें हैं। कांग्रेस आज भी जीवित है। बीजेपी की बात कर रहे हैं? बीजेपी के तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो एक ही है उनका तो। अच्छा, और एक दो अकाली दल के हैं और कांग्रेस से 19 हैं। तो कांग्रेस तो आज भी जीवित है, कोई नहीं कहता, कांग्रेस तो आज भी पंजाब में जीवित है। राहुल जी देश को जोड़ने में लगे हैं, राजनीति बाद में है, पहले एक सोशल मैसेज दे रहे हैं। अमित शाह वगैरह या बीजेपी एंड कंपनी की प्योर पॉलिटिकल एजेंडा है। 2050 के बारे में उनको एक वहम है, 2024 में देखो कैसी पटकनी देते हैं उनको। राहुल जी स्टेट्समैन की तरह लीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कांग्रेस यूनाइट होके 2024 में क्लियर मैंडेट लेके आएगी। विपक्षी दल साथ में आएंगे क्योंकि अभी तक तो उत्तर प्रदेश भी साथ नहीं है, तमाम जो लोगों को जो है इनविटेशन भेजा गया। पहले हम जब अपना कांग्रेस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एक जरूरत बन जाएगी और एवरीबॉडी हु इज एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी अमित शाह इज इनवाइटेड एंड मिल बांट के सब बैठ के एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे, प्रो पीपल, प्रो बिजनेसमैन, प्रो फार्मर गवर्नमेंट। लेकिन सवाल तो ये उठता ना, प्रधानमंत्री को लेकर ममता बनर्जी भी दावेदार ठोक रहे, उधर से बिहार से नीतीश कुमार कह रहे हैं, इधर राहुल गांधी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, चाहत सबकी है, जो बनेगा वो आपको दिख जाएगा। जिसके थैले में ज्यादा वजन होगा वो प्रधानमंत्री। कांग्रेस थैले में है? कांग्रेस ही थैला है। अच्छा, जो बीजेपी के अगेंस्ट सिस्टम को बैलेंस कर सकती है, जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। कितना वजन है कांग्रेस के थैले में? बहुत ही ज्यादा, बहुत, 300 प्लस। अच्छा, ये बताइए, अडानी जी को लगातार जो है वो टारगेट कर रहे थे
है ना राहुल गांधी। अडानी अडानी जी अब कह रहे हैं कि भैया हमारे तो कांग्रेस ने भला किया सबसे ज्यादा। नहीं नहीं अडानी जी तो मन के चलो आपके फायदे वास्ते जा आपकी कोई भी आपकी कमाई वास्ते वो करते हैं। कांग्रेस और गरीब तो लेके अमीर तक हर एक बारे सोचती है। अच्छा सबके लिए सोचती है सोचती है सोचती है। अच्छा तभी कहां से जुड़े हैं यात्रा में? इतनी पब्लिक आई है जो इनकी सोच है ताई आए हैं। कहां से जुड़े हैं आप यात्रा में? यात्रा में हम कल से आए हैं। अच्छा कल से मौड़ हल्का बठिंडा जिला। अच्छा बठिंडा से आए हैं।